गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम स्टूडेंट टुडे वी आर कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर विद्स इन योर वर्क बुक ओपन योर पेज नंबर पेज नंबर थ्री ऑन योर वर्क बुक लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चन आंसर राइट डाउन किए थे उसमें आंसर तक हमने कम्प्लीट किया था टेन नंबर के क्वेश्चन आंसर में मेथड ऑफ कुकिंग एंड टाइप ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस करना बाकी था सो सी हियर मेथड ऑफ कुकिंग मेथड ऑफ कुकिंग हाउ मेनी मेथड ऑफ कुकिंग स्टूडेंट्स ये रिमेंबर पॉइंट्स में भी मैंने समझाया है फूड को कुकिंग करने की कितनी मेथड है इट इज रोस्टिंग फ्राइंग बॉइलिंग एंड शेलो फ्राइंग ओके अब स्टूडेंट्स ये जो मेथड ऑफ कुकिंग फूड है उसके टाइप्स ऑफ फूड्स क्या है रोस्टिंग में हम कौन से टाइप टाइप्स के फूड्स लेते हैं स्टूडेंट्स रोस्टिंग में सेकना हम कौन से टाइप्स के फूड को रोस्टिंग करते हैं रोटी भाकरी रोटलो ओके सेकेंड इज फ्राइंग फ्राइंग में तलना ठीक है तो ऑयल के साथ डी फ्राइंग कौन से फूड्स को करते हैं पूरी भजिया एंड समोसा वो आता है फ्राइंग में बॉइलिंग बॉइलिंग मीस उबालने उबाल कर कौन सा फूड्स जो है वो कुक करते हैं हम स्टूडेंट्स बॉइलिंग फूड्स में हम लेते हैं खमन खिचड़ी राइस ये सारी चीज़ों को हम कुकर में बॉइल करते हैं ओके लास्ट इज शैलो फ्राइंग शैलो फ्राइंग मीस स्टूडेंट डीप फ्राई नहीं करने का इसमें शैलो फ्राइंग में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा कर फिर उसे फ्राइंग करते तलते हैं ठीक है शैलो फ्राइंग मीस Uh, कम ऑयल में फ्राई करना तो पराठा एंड थेपला ओके ये पराठा और थेपला को हम शेलो फ्राई करते हैं नेक्स्ट इज सीधा पेज नंबर टर्न योर पेज नंबर फोर सीधा क्वेश्चन नंबर इलेवन कैटेगरी द फॉलोइंग एच ए बी आई टी एस है आपको कैटेगरी दिए हैबिट्स की गुड हैबिट्स

अच्छी आदतें मीस गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स मीस खराब आदतें तो आपके गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स क्या हैं उसको आपको यहाँ पे आपके पास टू कैटेगरीज दी हैं गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स तो गुड हैबिट्स में हमारी कौन सी आदत अच्छी आदतें आएंगी तो उसे आपको गुड हैबिट्स में लिखना है और जो बैड हैबिट्स है उसमें आपको बैड हैबिट्स में खराब आदतें को राइट डाउन करना है ये सेंटेंस दिए स्मॉल स्मॉल आपको उसको आपको क्लेरिफाई करना है कौन सा गुड हैबिट है और कौन सा बैड हैबिट है ओके सी फर्स्ट गुड हैबिट गुड हैबिट मीन स्टूडेंट्स अच्छे आदतें तो गुड हैबिट्स में हम क्या लेंगे यहाँ पे देखो सी एच ई डब्ल्यू आई एन जी चुइंग पी आर ओ पीई आर एल वाई प्रॉपरली चूंग प्रॉपरली चुइंग प्रॉपरली मिस स्टूडेंट्स जब हम फूड को ईट करते हैं खाते हैं फूड को खाना खाते हैं तो उसे प्रॉपरली अच्छी तरीके से चुइंग करते हैं मिस उसे चबा कर खाते हैं ओके okay, तो वो क्या हुआ चुइंग प्रॉपरली तो हमें फूड को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए ये गुड हैबिट है इसलिए हमने इसे गुड हैबिट में लिखा सेकेंड ईटिंग वेरियस ऑफ दाल डी ए एल दाल डूरिंग वीक W डब्ल ई के वीकमि सप्ताह ठीक है तो हमें वेरियस टाइप की दाल्स को खाना चाहिए ईटिंग करना चाहिए वन हफ्ते में एक सप्ते के अंदर हमें अलग अलग टाइप्स की दाल को खाना चाहिए थर्ड ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स हमें ब्रश करना चाहिए जब हम खाना खा लें उसके बाद ठीक है फोर्थ इज इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन एवरी डे डाइट हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एवरी डे में अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाना चाहिए फिफ्थ इज वॉशिंग हैंड्स वेल बिफोर मिल्स हमें हमारे हैंड्स को अच्छे से धोना चाहिए बिफोर मिल्स मिस खाना खाने से पहले अब बैड हैबिट्स देखते हैं ख़राब आदतें में क्या आएगा फर्स्ट ईटिंग स्टाइल फूड हमें बाहर का खुला हुआ स्टाइल वाला फूड्स नहीं खाना चाहिए जो लारियों पर मिलता है सेकेंड eating ओनली वॉट वन लाइक सिर्फ तुम्हें जो एक ही चीज़ पसंद है वो ही चीज़ नहीं खानी चाहिए हमें अलग अलग टाइप्स के फूड्स को भी खाना चाहिए थर्ड इटिंग ओनली पोटेटोस एवरी डे आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पटेटो ही, ही अच्छे लगते हैं तो वो एवरी डे में रोज़ पटेटो की ही वेजिटेबल्स खाते उसकी सब्जियां खाते तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी बैड हैबिट्स है ख़राब आदतें हैं डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स को आपको खाना चाहिए एवरी डे भी फोर्थ एवरी डे फ्राइड फूड एवरी डे सॉरी ईटिंग इटिंग फ्राइड फूड एवरी डे हर रोज हमें तला हुआ फ्राइड किया हुआ फूड नहीं खाना चाहिए तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए ठीक है ये आपकी बैड हैबिट होती है ईटिंग इन अ हरी आप कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं बच्चे कैसे होते हैं वो जल्दी जल्दी खाते हैं हरी मिस फटाफट खाते इससे हमारा फटाफट खाने से हमारे स्टमक में जब फूड जाता है स्टूडेंट्स तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक है इसलिए डाइजेस्ट के लिए हमें आराम से च्यूइंग करके अच्छी तरह चबा कर उसे खाना चाहिए जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए ईटिंग इन अ हरी इज़ अ बैड हैबिट इसके फोटोग्राफ स्टूडेंट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं आप उसमें से कॉपी कर सकते हो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर कम्प्लीट होता है आपको यहाँ पे ग्रेन्स के नेम्स लिखने हैं ग्रेन्स के अंदर क्या आता है वेजिटेबल्स के अंदर कौन सी वेजिटेबल्स आती है पल्सेस के अंदर कौन से पल्सेस आते हैं और फ्रूट्स के अंदर कौन से फ्रूट्स आप खाते हो उसके यहाँ पे लिस्ट के नेम लिखने हैं ओके इट इज योर एच डब्ल्यू वन ओके स्टूडेंट्स टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी